तो दोस्तों, अगर आपको सस्ते में फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन खरीदना है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि Redmi की तरफ से Redmi 11 Prime 5G स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च होने वाला है और ये जो स्मार्टफोन है ये आपको सस्ते में 5G प्रोवाइड करने वाला है। तो आज की इस वीडियो पर इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन और क्या प्राइस और कब तक ये स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलेगा इसी बारे में बात करेंगे, और साथ ही में बात करेंगे क्या इस स्मार्टफोन को आपको लेना चाहिए या फिर इसको स्किप करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहले स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में बात करते हैं, तो डिजाइन आपके सामने है और कलर ऑप्शंस भी आपके सामने है। इसका वेट देखने के लिए मिलता है 200 ग्राम और थिकनेस देखने के लिए मिलता है 8.9 mm। और इसके साथ इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.58 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ एक IPS LCD पैनल देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज का टास्क सैंपलिंग रेट देखने के लिए मिलेगा, और इसके अंदर आपको 500 निट्स का ब्राइटनेस और ये जो डिस्प्ले है ये एक नॉच डिस्प्ले होने वाला है। अगर यहाँ पर पंच होल होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। इसकी प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको MediaTek का Dimensity 700 प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। इसके अंदर आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने के लिए मिल जाएगा, तो परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो रियर साइड में आपको 50 MP का मेन और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, और फ्रंट में आपको 5 MP का एक सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी बुरी बात है। यहाँ पर 8 MP या फिर 13 MP देता तो काफ़ी बेहतर होता। बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी और साथ ही में 18 W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm जैक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर आपको कोई भी मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसकी रैम वेरिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 4GB+64GB, 4GB+128GB और 6GB+128GB ये तीन वेरिएंट होने वाला है। और इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, अभी के टाइम पर जो पोको का 5G स्मार्टफोन है सबसे सस्ते में वो आपको 13,000 रुपये में देखने के लिए मिलते हैं, तो ये जो स्मार्टफोन है ये आपको 11 से 11,500 रुपये के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट की, तो ये जो स्मार्टफोन है ये आपको सेप्टेम्बर महीने के 6 तारीख को ही देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्या स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको सबसे सस्ते में 5G स्मार्टफोन चाहिए तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। परफॉर्मेंस भी अगर आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा उतना खास देखने के लिए नहीं मिलता, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन आपको अच्छा ही दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।